अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िश नय्यर और आज आपके लिए पाम की खूबसूरत 10 वराइटीज़ लेके आई हूँ। उसमें सबसे पहले जो नंबर पर आता है चाइना पाम। चाइना पाम एक ब्यूटीफुल पाम है और इंडोर आउटडोर दोनों बहुत अच्छे से चलता है। अगर आप इसको गार्डन में ज़मीन में लगा रहे हैं तो आउटडोर बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि फुल धूप में ना रखें, नहीं तो इसकी जो लीव्स बर्न हो सकती हैं। इसी की ड्रॉप वराइटी में आता है छोटा पाम, जैसे टेबल पाम कहा जाता है। ये इंडोर रखा जाता है टेबल्स के ऊपर अपने घर के किसी कॉर्नर में, जो कि बहुत खूबसूरती देता है। सेकंड नंबर पर आता है अरिका पाम। अरिका पाम भी बहुत खूबसूरत पाम की वराइटीज़ में से है, हार्डी पाम है। इसको आप शावर करें, इसको शावर बहुत पसंद है। मिस्टिंग कर दें इसके लीव्स के ऊपर और पानी एक दफ़ा खूब अच्छे से भर के पानी दें जब, और उसके बाद जब सॉइल ड्राई हो जाए तब पानी दीजिए इसकी, तो ये पाम आपके घर में बहुत अच्छे से चलता है। थर्ड नंबर पर जो वैरायटी आती है वो है सागो पाम, इसे कंगी पाम भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर गार्डन में ज़मीन में लगाया जाता है और किसी भी कॉर्नर्स में ये पाम को लगाया जाता है। अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो शदीद गर्मी की फुल धूप में ना रखें। गार्डन में ज़मीन में भी ये फुल धूप बर्दाश्त कर लेता है और ठंड भी बहुत अच्छे से बर्दाश्त करता है। बहुत हार्डी पाम है, इजीली घर में ग्रो हो जाता है। फोर्थ नंबर पर जो आता है वो है बम्बू पाम। बम्बू पाम भी पाम वराइटीज़ में से बहुत हार्डी वराइटी है। इंडोर आउटडोर दोनों पाम दोनों जगह पे बहुत अच्छे से चलता है। अगर आप इसको बाहर सॉइल में लगा रहे हैं या पॉट में लगा रहे हैं तो ये पाम बहुत अच्छे से आपके घर में ग्रो हो जाता है। बहुत कम केयर के साथ बहुत अच्छा से चलने वाला पाम की वराइटी है इसकी। और इसके बाद जो हम बात करेंगे पाँचवें नंबर पर पाम्स की, वो है बनाना पाम। बनाना पाम भी आप घर में अपने गार्डन में बहुत इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं और बहुत खूबसूरती से ये पाम ग्रो होता है। सिक्स नंबर पर आता है लेडी पाम। लेडी पाम भी आप पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इनडोर और आउटडोर दोनों जगह पे बहुत अच्छे से ये पाम ग्रो करता है। पाम की वराइटीज़ जो होती हैं वो बहुत हार्डी वराइटीज़ होती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये पॉट में भी पाम बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छे ऐसा इसको पानी चाहिए होता है, जब पानी दें तो पॉट को खूब अच्छे से एक दफ़ा भर के पानी दें। इसके बाद बारी आती है फॉक्सटेल पाम की। फॉक्सटेल पाम जो है ज़्यादातर घरों में गार्डन में ज़मीन के ऊपर कॉर्नर्स में लगाया जाता है, जो पाम जो घर को बहुत खूबसूरती देता है और ये नीचे से बढ़ता हुआ ऊपर तक काफ़ी बड़ा चला जाता है, 7-8 फुट से भी ऊपर इसकी हाइट चली जाती है। इसके बाद बारी आती है फोनिक्स पाम की। फोनिक्स पाम भी पाम्स की ब्राइट में से बहुत हार्डी पाम है। मेरे घर में जो पाम ये रखा हुआ है फुल धूप में रखा हुआ है और ये 40 से ऊपर टेम्परेचर की भी बहुत इजीली बर्दाश्त कर लेता है। बस इसको मिस्टिंग चाहिए होती है, सुबह शाम इसके लीव्स के ऊपर मिस्टिंग कर दें और पानी बहुत अच्छे से दें इसको। इसके बाद बारी आती है बॉटल पाम की। बॉटल पाम भी ज़्यादातर घरों में ज़मीन में गार्डन में लगाया जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत हार्डी पाम है। इसके बाद बारी आती है पोनीटेल पाम। 10वें नंबर पर है पोनीटेल पाम। पोनीटेल पाम भी एक हार्डी पाम है। ये वैसे तो बहुत इंडोर भी चलता है, आउटडोर भी चलता है, पॉट में ज़्यादातर ये प्लांट अच्छा से चलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।